बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए बहु का मतलब क्या होता है बाबू? बहु मतलब पतो, बहु मतलब पतो है ना होता है जी? बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, बहुत। राष्ट्रीय मतलब, राष्ट्रीय मतलब देश। आ कंपनी, कंपनी मतलब कारखाना। यानी वह कंपनी जो एक से अधिक देशों के साथ अपना समन्वय स्थापित करती है। कारखाना है भाई, कारखाना है, कारखाना नहीं है, कारखाना। ठीक है, एगो परिवार में एक आदमी नौकरी करता था, माने पापा लड़का के नौकरी करते थे, डेली जाते थे जॉब करने के लिए। तो अपने माँ से पूछता था कि माँ पापा रोज कहाँ जाते हैं, तो उसकी माँ बताई कि कारखाने। बेचारा सोच में पड़ जाता था। फिर सुबह में पूछा पापा कहाँ गए हैं, तो बोली कि कारखाने गए हैं। तो फिर एक दिन कहा कि अच्छा एक बात बताओ, पापा तो इतने मतलब उनका पेट इतना बड़ा नहीं है, फिर कार कैसे खा जाते हैं? वही हाल है आप लोग का भी। हम लिखे हैं कारखाना, तो आप लोग भूल गए कि कारखाना, कारखाने वाली चीज थोड़ी है। कोरोना धर्म का जी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी वह कंपनी जो मान लीजिए कि एक देश में कोई कंपनी, उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं बोला मैंने। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ कि गोटे की एक से ज्यादा देश में जो कंपनी चलती है। कहने का मतलब है कि एक कंपनी हो गई, जैसे टाटा कंपनी कौन हो गई? टाटा। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग देशों में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ, इन सभी जगह पर अपना कंपनी स्थापित करके, यानी मुख्य कंपनी ये भारत, ठीक है, यानी मुख्य कंपनी भारत की हो गई। और वह कंपनी चारों तरफ में यानी अलग अलग देशों में अपनी कंपनियों को स्थापित कर और वहां पर अपने हिसाब से वह चला रही है, तब बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी एक कंपनी अलग अलग देशों में अपनी छोटी छोटी कंपनियां खोल कर अगर उसे चलाती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। कोई दिक्कत समझनी है? कब है कोई टारगेट? एक रखना चाहिए, एक टारगेट को अचीव करने के बाद में दूसरा टारगेट रखना चाहिए ना, कि 36 पर टारगेट रखिएगा तो ये को काम नहीं होगा। समझ रहे हैं हम? एक को काम नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य जो रखे हैं उसको पहले पूरा कीजिए, उसके बाद